नमस्ते, आपको स्वागत है आपके 316वें दिन की ईश्वरीय वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं कि मेरे साथ के द्वारा आप माया को दूर से ही मूर्छित कर सकते हैं, मतलब अपने अंदर की कमजोरियों को दूर से मूर्छित कर सकते हैं और बाहर से आने वाली परिस्थितियों को भी पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको घाटे में डाल सकती है और कौन सी चीज़ आपको फायदे में रख सकती है। तो देखें आज बाबा कहते हैं इस वरदान में। बाबा कहते हैं, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भवा। सारे जगत को जीतना, तो आजकल तो दुनिया इंसान वॉर करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके, चाहे वो धर्म की लड़ाई हो, चाहे आपस में देश देश की लड़ाई हो, युद्ध होते हैं ताकि हम क्या कर पाएं, दूसरे देश के ऊपर जीत पा पाएं। लेकिन परमात्मा कहते हैं पूरे जगत को अगर जीतना है तो वो इस लड़ाई से नहीं हो सकता, बम फाड़ के नहीं हो सकता, रॉकेट छोड़ के नहीं हो सकता। आपको ज्ञान की धारणा करके, पवित्रता ला करके ही आप जगत में जीत सकते हो, वो भी गुप्त तरीके से। तो विस्तार में चलें। बाबा कहते हैं, जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप की साथी बनाओ, बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। परमपिता परमात्मा के स्नेही, उनको पहचाना, उनको जाना, तो उनके स्नेही बन गए। लेकिन बाबा कहते हैं उनको अपना साथी भी बनाओ, यानी कि जब मुश्किल आए तभी याद करी, बीच में भूल गए, दिन भर याद नहीं किया, दुनिया के कामों में लगे रहे और फिर लास्ट में जाकर याद आ रहे, आज तो मेडिटेशन करना भूल गए, बाबा को याद करना भूल गए। पर बाबा कहते हैं वैसे नहीं, उनको सदा का साथी बनाओ। साथी से क्या करते हैं, साथी यहाँ जाएं, साथी वैसे करें, साथी क्या करते हैं, तुम्हें क्या लगता है दोस्त, तुम्हें क्या लगता है ये प्लान ठीक रहेगा। तो उसी तरह से परमात्मा से भी हर चीज़, साथी परमात्मा को बना करके, साथी ये खाऊं, साथी यहाँ जाऊं, साथी ये कर्म करूं, तो बाबा ये कर्म करूं, बाबा यहाँ जाऊं, बाबा ये बोलूं उनको, बाबा ये बोलना ठीक रहेगा, उचित रहेगा, बाबा ये सोचूं, ये सोच मेरे अंदर जो आ रही वो ठीक है, तो ये उनको साथी बना करके ऐसे बातें करना ही साथी बनाना है। शुरू शुरू का जो वायदा है तुम्ही से खाऊं, कि भगवान जो देगा वो खाऊं, लोग जो देंगे प्रशंसा करके देंगे, वाहवा करके देंगे, या आपसे कुछ निकलवाना चाहते हैं तो आपको धन देंगे, तो वो नहीं, उससे खाना नहीं। तो मैं कहता हूँ तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, जहाँ बिठाओगे मैं वहीं बैठूंगा, जहाँ सेवक ले आप रखोगे मैं वहीं रहूंगी आत्मा, अपनी मन बुद्धि नहीं, अपनी जबरदस्ती नहीं। तुम्ही से रूह को रिझाऊं, तो रूह जो है हम आत्मा हैं, हम परमात्मा की बातों से ही हम रंजे रहें, दुनियावी बातों से नहीं, दुनियावी चटपटी चीज़ों से नहीं। तो परमात्मा कहते हैं अगर ऐसे करो, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती। तो अगर पूरी बुद्धि परमात्मा के साथ में लगी हुई है, बाबा को साथी बना के रखा हुआ है, उनसे ही बातें चल रही है हमारी, तो परमात्मा कहते हैं फिर कोई भी बुद्धि में घर नहीं कर सकता, गलत बात, गलत चीज़ें, गलत कर्म करने की उत्कंठाएँ आ नहीं सकती। फिर बाबा कहते हैं डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब कि उन संकल्पों का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, माया रूपी संकल्पों का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये तो परमात्मा की शक्ति है, अगर परमात्मा की शक्ति को हमने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर परमात्मा कहते हैं तो तुम्हारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये तो माया का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन तुम्हारा खुद का डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब ये नहीं कि ये तहस नहस हो गया, मन बुद्धि में शांति खत्म, डिस्ट्रक्शन हो गई, सुख डिस्ट्रक्ट हो गया, है ना, खुशियाँ डिस्ट्रक्ट हो गई, शक्ति विल पावर डिस्ट्रक्ट हो जाएगी अगर हम परमात्मा के अनुसार नहीं चलेंगे। तो साथी को सदा साथ रखो, साथ साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो आज परमात्मा ने हमें मुख्य उनको अपना साथी बनाना है। हम कहते हैं तुमेव माता स पिता तुमेव, है ना, तो तुम माता पिता हो हम बालक तेरे, है ना, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, कहते तो हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो अब परमात्मा कहते हैं माता पिता तो हो गया, लेकिन अब साथी भी बनाने की कोशिश करो, मुझसे हर दिन बातें करो, हर घंटे बातें करो, हर समय बातें करो, क्या करूं बाबा, इसमें क्या करूं बाबा, ये करना ठीक है बाबा, ये सोच क्यों आ रही है। तो ये
तरीके हैं मेडिटेशन में रहने का। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपने चौकड़ी मार के बैठ गए, आंखें बंद कर ली, बस वही मेडिटेशन है। दिन भर परमात्मा से बातें करना, उनसे सुझाव लेना, साथी बना करके, दोस्त बना करके, तो जैसे दोस्त से बात करते हैं वैसे उनसे बात करना। हम घंटे घंटे दोस्तों को अपनी पूरी प्रॉब्लम्स बताते हैं, भाई ये हो गया यार, आज ये कर दिया, अरे यार देखो देखो क्या बताऊँ, अरे दोस्त देखो क्या बताऊँ मैं, है ना। लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर मुझे ही दोस्त बना दो तो मेरे को सारी बातें बताऊँ कि आज ये हो गया, आज ऐसे हो गया, आज मैंने ये गलती कर दी, आज उन्होंने ये बोल दिया। तो वो परमात्मा को बोलेंगे तो परमात्मा की बताई हुई बातें, ज्ञान की बातें याद आएंगी, ऑटोमेटिकली मन के अंदर क्या आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी कि सही क्या है और गलत सोच क्या है उसको समझने लगते हैं। लेकिन दुनियावी दोस्तों से बातें करेंगे तो वो दुनियावी आपको सुझाव देंगे, और अगर निराकार परमात्मा से बातें करेंगे तो उनसे जो सुझाव आएंगे वो आपको तृप्त कर देंगे, आप आत्मा को सुख शांति मिला देंगे। ये आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन इसको कैसे करना है, सीखना कैसे, इसके लिए आप ब्रह्मा कुमारीज गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जाकर के सीख सकते हैं सुवेदी को, कि इनको साथी कैसे बनाएं। आपका दिन शुभ हो, ओम शांति।